नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के युवाओं के लिए सेना भर्ती 27 जुलाई से रांची में होगी बहाली। झारखंड के लिए सेना भर्ती रैली 27 जुलाई से 10 अगस्त 2024 तक रांची के खेलगांव में आयोजित की जा रही है। सेना भर्ती रैली की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय रांची और जिला प्रशासन के साथ मिलकर ग्राउंड और रेस्ट एरिया, मार्शलिंग, रन ट्रैक, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल का चयन पूर्व में ही कर लिया गया है। सेना भर्ती के लिए निदेशक कर्नल विकास भोला ने रविवार को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की और खेलगांव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होने वाली रैली के दौरान सुरक्षा, भर्ती के दौरान दलालों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई करने, रैली में शामिल अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन रैली स्थल पर करने की मांग की गई है। वहीं रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बता दें, भारतीय सेना में बहाली को लेकर झारखंड के युवाओं के लिए शानदार मौका है। सेना भर्ती के निदेशक कर्नल विकास भोला ने सभी अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को दलालों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उन दलालों से भी सावधान रहे जो इच्छुक रंग रूटों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। भर्ती प्रक्रिया पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। श्रावणी मेला का उद्घाटन कर बोले मंत्री मिथिलेश, देवघर में बनेगा बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर। झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राजकीय श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन रविवार को किया है। उनके साथ मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद थी। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर श्रावणी मेला का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने अन्य धार्मिक जगह की तरह बाबा बैद्यनाथ में भी कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रविवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने पर्यटक विभाग के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार चाहती है कि अन्य धार्मिक जगह की तरह बाबा बैद्यनाथ धाम में भी कॉरिडोर बने। उल्लेखनीय है कि श्रावणी मेला की शुरुआत इस बार 22 जुलाई से हो रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगा। खास बात यह है कि इस बार के सावन में 5 सोमवार पड़ रहा है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह काफी शुभ माना जाता है। झारखंड में अगले दो दिन तक भारी बारिश का अनुमान। उड़ीसा से आया डिप्रेशन का होगा असर। झारखंड में मानसून कमजोर है। अगले कुछ दिनों में इसके मजबूत होने का अनुमान है। एक डिप्रेशन उड़ीसा में आया हुआ है। इसका असर झारखंड के कई जिलों में रहेगा। बता दें, 22 जुलाई से इसका असर झारखंड में दिखने लगेगा। 22 और 23 जुलाई को कोल्हान और मध्य हिस्से में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 जुलाई को चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावा, खूंटी और रांची के साथ साथ रामगढ़ के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 23 जुलाई को इन जिलों के साथ साथ लातेहार, गुमला और लोहरदगा में भी कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। 23 जुलाई के बाद मानसून फिर कमजोर हो जाएगा। श्रावणी मेला में शीघ्र दर्शनम के लिए देने होंगे 600 रुपए। बाबा धाम में बढ़ी कूपन की दरें। श्रावणी मेले में कंवरियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए बाबा मंदिर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। भक्तों को सुलभ जल अर्पण कराने के लिए अर्घा की मरम्मत, पेयजल की व्यवस्था, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था का काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है। श्रावणी मेला में देवघर मंदिर प्रशासन में कतार प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं व सफाई व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है। 2 महीने तक मंदिर की सफाई व्यवस्था बेहतर रहे, अतिरिक्त सफाई कर्मी रखे जा रहे हैं। वहीं सोमवार से आने वाले भक्तों को शीघ्र दर्शनम कूपन भी 600 रुपए में उपलब्ध होंगे। बता दें, कूपन लेने वाले भक्तों तथा आम कतार से जलार्पण करने आ रहे भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। क्यू कॉम्प्लेक्स हॉल में बैरिकेटिंग, RO, बिजली की बेहतर व्यवस्था, प्राथमिक उपचार केंद्र आदि की व्यवस्था कर दी गई है। चाईबासा में जल सहयाओं का प्रदर्शन। मंत्री दीपक बिरुआ के आवास पर धरना। मंत्री ने दिया आश्वासन। झारखंड राज्य जल सहया संघ के बैनर तले चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के सदर, झिकपानी, हटगमहरिया एवं टोटो प्रखंड की जल सहयाओं ने रविवार को मंत्री दीपक बिरुआ के आवास के समीप धरना दिया। इस दौरान जल सहयाओं ने मंत्री को मानदेय वृद्धि करने समेत 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। बता दें, जल सहयाओं ने कहा है कि मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये करने, सेवा कार्यकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा का लाभ देने, जल सहयाओं का 20 लाख का बीमा करने, विभाग के रिक्त पदों पर वरीयता एवं योग्यता के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने, 65 वर्ष तक सेवा की गारंटी देने, ठेकेदारों को कार्य न देने, जल सहया को जल स्वच्छता संबंधी कार्य देने की मांग शामिल है। वहीं इस मौके पर मंत्री ने जल्द ही विचार कर समाधान करने का आश्वासन दिया है।
25 जुलाई को नक्सलियों का झारखंड बिहार बंद, नक्सली जया की गिरफ्तारी का विरोध। 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता विवेक की पत्नी जया की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया है। भाकपा माओवादियों के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने 25 जुलाई को बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार धनबाद में कैंसर का इलाज करवा रही महिला नक्सली जया सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भाकपा माओवादियों के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस रिलीज जारी कर झारखंड पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि धनबाद शहर एक निजी क्लिनिक में कैंसर का इलाज कर रही बिहार भाकपा माओवादी संगठन की झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य और क्रांतिकारी महिला आंदोलन की नेत्री जया हेमराम उर्फ जया दी के साथ और 3 लोगों शांति कुमारी, डॉक्टर पांडे और उनके सहयोगियों को झारखंड पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में 1.5 लाख कर्मचारी आंदोलन की राह पर बढ़ सकती है राजनीतिक सरगर्मी। झारखंड के 1.5 लाख सरकारी और अनुबंध कर्मियों के आंदोलन ने झारखंड में राजनीति तपिश बढ़ा दी है। विभिन्न संघों के बैनर तले विरोध प्रदर्शन भी जारी है। चुनावी माहौल के नब्ज को टटोलते हुए कर्मचारी संघ आंदोलन में कूद पड़े हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से दिलासा, भरोसा और आश्वासन का भी दौर चल रहा है, पर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। राजनीतिक दलों को मुद्दा भी मिल गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर तकरार चरम पर है। बता दें, सहायक पुलिसकर्मियों पर बीते दिनों लाठियां चटकाई गई। इस घटना को भाजपा ने आड़े हाथों लिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा घायलों से मिलने रिम्स भी पहुंच गए हैं। लोहरदगा से 2000 कांवड़ियों का पैदल जत्था पहाड़ी मंदिर के लिए रवाना, सोमवारी को करेंगे जलाभिषेक। महाकाल कल्ब के तत्वाधान में लोहरदगा जिले से 2000 शिव भक्तों का जत्था रांची पहाड़ी मंदिर के लिए पैदल ही रवाना हुआ है। सभी शिव भक्त सुबह श्रावण की पहली सोमवारी के अवसर पर रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। बता दें, पूर्व नप उपाध्यक्ष कल्ब के आजीवन संरक्षक बलराम कुमार ने कहा है कि सावन माह के दौरान शिव भक्तों के सेवा के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जिले से हर वर्ष शिव भक्त जिले में सुख शांति की कामना के लिए पैदल यात्रा को निकलते हैं। दृष्टि के संचालक भगवान शिव की कृपा से सभी दुखों से निजात मिलती है। खासकर सावन माह में भगवान शिव को जल अर्पण से भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आम आदमी पर महंगाई की मार, प्याज 40 तो टमाटर 80 के पार। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। प्याज तो पहले ही रुला रहा था, अब आलू और टमाटर भी रुलाने लगे हैं। बता दें, बाजार में आलू की कीमत 32 से 35 रुपये तक हो गई है, तो वहीं टमाटर की कीमत भी 80 से 100 रुपये के बीच है। गृहिणियों की माने तो सब्जियों का राजा आलू माना जाता है। चाहे किसी भी प्रकार की सब्जी बनानी हो तो उसमें आलू की जरूरत पड़ती है। जहां 12 रुपए बिकने वाला आलू अभी 32 से 35 रुपए किलो मिल रहा है। आलू को छोड़ अन्य सब्जी की कीमतों में इतनी उछाल आई है कि आलू की भरपाई करना अन्य सब्जियों से भी संभव नहीं है। लड़ाई छोड़बा नहीं कहानी का फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन, झारखंड की 3 आदिवासी महिलाओं पर है आधारित। लड़ाई छोड़बा नहीं का चयन 2 चर्चित फिल्म फेस्टिवल में हुआ है। इंडियन शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल व साइन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म प्रदर्शित होगी। ये फिल्म केरल में आयोजित होगी। ऐसे में लोगों की इस बात में दिलचस्पी है कि इस फिल्म की कहानी क्या है। दरअसल यह फिल्म झारखंड की 3 आदिवासी महिलाओं पर आधारित है, जो अपने समुदायों पर खनन गतिविधियों के गहरे प्रभावों का सामना करती है। इसमें पहली महिला किरदार सीतमणि देवी हैं, जो उरीमारी पंचायत की जलसाहिया और आशा करता है। वह कोयले पर निर्भरता और भूमि क्षरण के बीच अपने क्षेत्र में जल संकट की भागीदारी पर प्रकाश डालती है। भानु प्रताप के बयान पर जेएमएम का पलटवार, बीजेपी को झारखंड से खदड़ेगी जनता। झामू ने कहा है कि भाजपा लगातार राज्य की जनता का अपमान कर रही है। उनके नेता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। झामू महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि उन्होंने भरे मन से कहा है कि हेमंत सोरेन को गद्दी खींच कर गद्दी से उतारने की बात कही, ये भाजपा नेताओं के घमंडी की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पर उनके विधायक झारखंड की जनता के अपमान पर उतारू हो गए हैं। भानु ने हेमंत सोरेन के विरुद्ध बोलकर राज्य की जनता का अपमान किया है। यह उनके द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान है। राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन को शासन का जनादेश दिया है। विनोद पांडे ने यह भी कहा है कि भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर सरकार को अस्थिर करने का भरपूर प्रयास किया है।
साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, 1.5 दर्जन बैंक खाते किए गए फ्रीज। फर्जी कंपनी के नाम पर खाता खोलकर साइबर अपराधी अपराध के रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं। रांची से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक झारखंड के साइबर अपराधी के 1.5 दर्जन से अधिक खातों का साइबर अपराध थाने की पुलिस ने चिन्हित किया, जिन्हें फ्रीज किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन संचालित नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ये खाते दर्ज हैं। इन खातों में मंगाई गई अपराध की राशि को फ्रीज कराया जा चुका है। धीरे धीरे उक्त राशि पीड़ितों को वापस भी हो रही है, लेकिन वापसी की रफ्तार बहुत धीमी है। बता दें, झारखंड के अपराधियों की चीन, हांगकांग, रूस, दुबई कनेक्शन भी उजागर हो चुका है। इस मामले में आगे की जाँच जारी है। तोपचांची में घुसा जंगली हाथियों का झुंड, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। धनबाद के तोपचांची के अम्बाडीह गांव में शनिवार की देर रात जंगली हाथियों का झुंड घुस कर जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने गांव के 1 दर्जन से अधिक घरों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। करीब 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हाथियों का झुंड गाँव में अपना डेरा जमाए हुए रहा। काफी संख्या में हाथी को एक साथ देख ग्रामीण भयभीत हो गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर इधर उधर भागने लगे। हाथियों का झुंड देख छत में सो रही एक महिला बिमला देवी अपनी जान बचाने के लिए छत से ही कूद गई, जिससे वह जख्मी हो गई है। ग्रामीणों के द्वारा रात में वन विभाग को सूचना देने के बावजूद समय पर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव नहीं पहुंचे, जिस कारण ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश भी है। आज सावन का पहला दिन, शिवालयों में उमड़ेगी भीड़। सावन के पहले सोमवार को लेकर शहर में विशेष तैयारी की गई है। शिव मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। जलाभिषेक के लिए युवाओं की टोली रविवार की शाम को ही ईटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर रवाना हुई है। टोली में दर्जनों युवक शामिल हैं। बता दें, ईटखोरी के महाने नदी से जल उठाएंगे और उसके बाद भद्रकाली में पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद टोली के सदस्य पैदल ही रवाना हो जाएंगे। सुबह को यहाँ पहुँचेंगे और स्थानीय कठौतिया स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। इस वर्ष सावन की शुरुआत सोमवार अर्थात 22 जुलाई से हुई है और 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। अमन साहू को चाईबासा जेल किया गया, शिफ्ट कारा के अंदर बाहर कड़ी सुरक्षा। कुख्यात अमन साहू को रविवार तड़के चाईबासा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। गिरिडीह केंद्रीय कारा की अधीक्षक हिमानी प्रिया को धमकी देने के मामले में मुख्यालय स्तर पर दी गई सूचना के बाद जेल IG सुदर्शन मंडल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। बता दें, शनिवार की रात मुख्यालय से अमन साहू की शिफ्टिंग का आदेश गिरिडीह केंद्रीय कारा प्रबंधन को मिला और इसके बाद गोपनीय तरीके से रविवार सुबह 4 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अमन साहू को चाईबासा जेल ले जाया गया। गौरतलब है कि 1 महीने पहले 20 जून को अमन साहू को मेदिनीनगर केंद्रीय कारा से गिरिडीह लाया गया था। यहाँ वह अपने लिए कई तरह की सुविधाओं की मांग कर रहा था। अपनी ही शादी में दूल्हा फाड़ने लगा कपड़ा, दुल्हन पहुंची थाना। दूल्हे को अपनी शादी में शराब पीना महंगा पड़ गया है। जब वह शादी में शराब पीकर अजीब हरकत करने लगा तो दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। काफी मनाने के बावजूद दुल्हन शादी को तैयार नहीं हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने दूल्हे और उसके मामा को दहेज की राशि वापस करने को लेकर पूरी रात रोका रखा। फिर पंचायत बैठी, मामला पुलिस तक भी पहुंच गया, जहां से दोनों पक्ष बिना विवाह के ही अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। बताया गया है कि दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के नौखेता पंचायत अंतर्गत आमजोला गांव के भूमेश्वर राय के पुत्र छोटू राय की शादी बरमसिया पंचायत अंतर्गत टिटगो गांव के रामफल राय की बेटी के साथ तय हुई थी। पिता भुवनेश्वर के निधन के बाद छोटू अपने मामा के घर जोरडीहा में रहता था, वहीं से उसकी शादी हो रही थी। भोजपुरी गायक भरत शर्मा की जेल में बिगड़ी तबीयत, SNMMCH में कराया गया भर्ती। धनबाद जेल में बंद भोजपुरी गायक भरत शर्मा की शनिवार की शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनको सीने में दर्द और पेशाब में जलन की शिकायत होने लगी। इसे देखते हुए भरत शर्मा को कई सुरक्षा के बीच शनिवार देर शाम इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जाँच के उपरांत उन्हें CCU में भर्ती करा लिया गया है। अस्पताल के CCU वार्ड के बेड संख्या 7 में उन्हें रखा गया। बता दें कि भोजपुरी गायक भरत शर्मा ने आयकर विभाग के 3 मामलों में शुक्रवार को धनबाद कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद आर्थिक अपराध की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी ने उन्हें 3 मामलों में न्यायिक हिरासत में लेकर शुक्रवार को ही जेल भेज दिया था। भरत शर्मा तीनों मामलों में सजायाफ्ता हैं। बता दें, 13 जून 2018 को आयकर विभाग से फर्जी दस्तावेज के आधार पर TDS का भुगतान लेने संबंधी तीनों मामले में अलग अलग 2 वर्षों का कठोर कारावास व 10,000 रुपए की आर्थिक सजा सुनाई गई थी।
बेरमो में मालगाड़ी की दो बोगी बेपटरी पावर प्लांट जा रही थी मालगाड़ी। सीसीएल ढोरी एरिया से ढोरी रेलवे साइडिंग से कोयला लोड लेकर जा रही मालगाड़ी की दो बोगी गोमो बरकाखाना रेल लाइन में प्रवेश करने से पहले ही पटरी से उतर गई। घटना के बाद गोमो से दुर्घटना राहत यान पहुंची, साथ ही दुर्घटना राहत यान से आए अधिकारी एवं कर्मचारी तत्काल बोगी को पटरी पर लाने के कार्य में लगे हुए हैं। बता दें कोयले से लदी मालगाड़ी कोयला लेकर तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी बेपटरी होने के कारण का पता नहीं चल पाया है, रेलवे विभाग जांच में जुटा है। मामले में चूक कहां हुई है रेलवे के अधिकारी इसको लेकर जांच करने की बात कर रहे हैं। गढ़वा में अवैध बालू पर बड़ी कार्रवाई, 7 ट्रैक्टर किया गया जब्त। गढ़वा एसपी दीपक पांडे के निर्देश पर एक साथ 4 थानों की पुलिस ने अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। जिले गढ़वा सदर मझियाओं धुरकी और केतार थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के कुंडी गांव में पुलिस ने दबिश देकर अवैध रूप से किए गए बालू स्टॉक को भी जब्त की है। वहीं सदर थाना क्षेत्र के छतरपुर फोर लेन से एक ट्रैक्टर को जब्त की गई, जबकि मझियाओं थाना क्षेत्र खजूरी गांव में पुलिस ने एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं खेतार पुलिस ने 48 घंटे में अवैध रूप से बालू का परिवहन करते 7 ट्रैक्टर को जब्त की है। बंधु तिर्की ने कहा, बीजेपी बताए आदिवासियों से लूटी गई जमीन कब और कैसे मिलेगी। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड विशेष कर राजधानी रांची सहित शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों एवं मूलवासियों से उनकी जमीन लूटी जा रही है। इस मामले में दुनिया की सबसे बड़ी और झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और इसके नेताओं का खामोश रहना दुर्भाग्य की बात है। रांची में भाजपा की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में भाजपा नेताओं ने अपनी नीति रणनीति के अनुसार सभी मुद्दों पर तो बातचीत की, लेकिन वह राजधानी रांची सहित धनबाद जमशेदपुर एवं अन्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों से अब तक व्यापक पैमाने पर लूटी गई जमीन के मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोला, जो झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए खतरनाक संकेत हैं। तिर्की ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए सीएनटी एसपीटी एक्ट के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए गैर आदिवासी विशेष रूप से बिहार एवं उत्तर प्रदेश से आए लोगों ने आदिवासियों से उनकी जमीन को लूटा, जिससे लाखों आदिवासी परिवार विस्थापन एवं पलायन का शिकार हुए हैं। सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे मनरेगा कर्मी। मनरेगा संघ पूर्वी सिंहभूम जिला स्तरीय बैठक रविवार के मांझी परगना महाल भवन में आयोजित की गई। मनरेगा कर्मी के स्थायीकरण की मांग को लेकर राज्य मनरेगा कर्मी संघ के आह्वान पर गुरुवार से चल रही सांकेतिक हड़ताल के पश्चात मशाल जुलूस निकालकर सांकेतिक हड़ताल समाप्त की गई है। इसके बावजूद सरकार ने मनरेगा कर्मियों की मांगों पर कोई पहल नहीं हुई, इसके कारण मनरेगा कर्मी संघ पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। सभी बीपीओ जेई एई रोजगार सेवक एक साथ अपनी मांगों को लेकर सेवा स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। कोडरमा में जननी सुरक्षा योजना में गड़बड़ झाला, नसबंदी महिलाओं की प्रोत्साहन राशि पुरुषों के खाते में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जननी सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षित मातृत्व लाभ के लिए महिलाओं को दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि के गमन की अब परतें खुल रही है। घोटाले का मास्टरमाइंड सतगावा के संबलडी निवासी बीटीटी दिनेश चौधरी है, जो स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम करता है। यह सख्त जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली मातृत्व लाभ की राशि अपने अपनी पत्नी व पुत्र एवं अन्य रिश्तेदारों के खाते में डालकर लाखों का गमन कर लिया है। इतना ही नहीं, महिलाओं को नसबंदी के बाद दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भी लाखों रुपए अपने अपने पुत्र अतुल चौधरी व परिवार के अन्य सदस्यों के खाते में सिंगल नोडल अकाउंट ई जोहार पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर ले रहा था। प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, पत्नी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के अमजो गांव के एक दुआरी टोला निवासी हाफिज रहमत अंसारी 45 वर्षीय की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। हाफिज का खून से लथपथ शव घर के अंदर ही चौकी पर मिला है। बता दें मृतक के चेहरे पर चोट के गंभीर निशान है। आशंका जताई जा रही है कि सोते हुए अवस्था में ही चेहरे पर वार कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक की पत्नी गुलशन खातून पर लगा है। पुलिस पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी हावी, जमीन पर कर रहे कब्जा आशा लकड़ा। दुमका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा रविवार को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची, जहां पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के गायब थाना गांव में जमीन हड़पने को लेकर हुई मारपीट में घायल आदिवासी परिवार के लोगों से मिली बातचीत की। उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि किस प्रकार से संताल परगना जल रहा है। दुमका जिले में मारपीट व हिंसा हो रही है। संताल परगना में कोई भी आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है। एक मामला पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक ही आदिवासी परिवार के लोग बंगाल काम करने गए थे। इसी बीच बांग्लादेशी मुसलमान उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। जब पीड़ित परिवार ने अपनी जमीन का आवाज उठाया तो बाहरी मुसलमानों ने उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की है। एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति की बैठक, 23 को मंत्री के साथ वार्ता। एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति एचईसी नागरिक संघ व यूनियन प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक धुरुआ स्थित कार्यालय में अध्यक्षता कैलाश यादव की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा है कि एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति के द्वारा प्रस्तावित 8 सूत्री मांग पत्र से संबंधित 23 जुलाई को सरकार में श्रम रोजगार कौशल विकास प्रशिक्षण एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने नेपाल हाउस स्थित मंत्री कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता होगी। उस दौरान राष्ट्रीय जनता दल से 10 एवं एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति से 10 प्रमुख लोग शामिल रहेंगे। वार्ता में श्रम एवं उद्योग मंत्री, उद्योग सचिव, एचईसी CMD तथा यूनियन प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।